ओम नमः शक्ति शिवाय। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ, आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये कुछ पेंडेंट हैं और ये पेंडेंट मैं किसी खास प्रॉब्लम के लिए उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके बनाती हूँ। जिनको भी ये मिले हैं उनको उनको उनकी वो प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर हुई है। अगर आपकी कोई खास प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सअप नंबर पर। आपकी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके ये पेंडेंट आपको आपको बना के दिया जाएगा, जिससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर होगी। अगर आपको ज़रूरत है तो आप स्क्रीन पर दिए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिएगा, पूरी डिटेल बताइएगा। आपको आपको इन पेंडेंट से हेल्प ज़रूर मिलेगी, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर होगी, आपकी विश ज़रूर पूरी होगी। चलिए अब मैं वीडियो शुरू करती हूँ। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स जिसके लिए वीडियो देख रहे हैं उनके मेरे व्यूअर्स के लिए करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या हैं और मेरे व्यूअर्स के लिए उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए, यूनिवर्स प्लीज़ 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 गाइड कीजिए। तो यहाँ पे फर्स्ट कार्ड आपके पर्सन के लिए है थ्री ऑफ वैंड्स, नेक्स्ट है यहाँ पे हाई प्रिस्टेस एंड टेन ऑफ वैंड्स, नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे डेथ एंड द सन। कुछ क्लैरिफिकेशन लूँगी यूनिवर्स, प्लीज़ टेन ऑफ वैंड्स क्लैरिफाई कीजिए, प्लीज़ टेन ऑफ वैंड्स क्लैरिफाई कीजिए। टेन ऑफ वैंड्स, वाओ, थ्री ऑफ कप्स एंड डेथ क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़, डेथ क्लैरिफाई कीजिए। डेथ, किंग ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक, एम्परर कार्ड दिखा रही हूँ मैं आपको। फर्स्ट कार्ड आपके पर्सन के लिए क्या था, थ्री ऑफ वैंड्स, यानी बहुत दिनों से, हो सकता है आप लॉन्ग टाइम से एक दूसरे से बात नहीं हो पा रही हो या लॉन्ग टर्म होंगे, यानी काफ़ी टाइम से आप रिलेशनशिप में होंगे, तो आपके पर्सन काफ़ी काफ़ी दूर तक काफ़ी मतलब गहराई से सोच रहे हैं और लंबा प्लान कर रहे हैं, यानी भविष्य का प्लान कर रहे हैं और ऐसा प्लान कर रहे हैं कि जिसको जिसको कोई डिनाई ना करने पाए, कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना करने पाए, कोई इनके प्लान को फ्लॉप ना करना पाए। जो आपके लिए करना चाहते हैं, ये आपको अपने जीवन में लाना चाहते हैं और आपके साथ मिलकर अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को कम्प्लीट करना चाहते हैं। मुझे ऐसा फील होता है कि आपकी इनके साथ कोई स्पिरिचुअल जर्नी है और इस जर्नी में ये आपको अपने साथ लाना चाहते हैं, ये आपके साथ आना चाहते हैं। इस बर्थ में स्पिरिचुअलिटी के एक्सपीरियंसेस इनको आपकी एनर्जी से मिलेंगे, आपकी प्रे से मिलेंगे। कुछ ऐसी बातें भी हैं जो ये आपसे छुपाते भी हैं और वो बातें इसलिए छुपाते हैं, या तो इनको ये लगता है कि ये बातें आपका जानना ज़रूरी नहीं है, अननेसेसरी बातें हैं तो क्या बताऊँ, या फिर इनको ये लगता होगा अगर ये बातें बता देंगे तो आप गुस्सा करोगे, ऐसा करोगे वैसा करोगे, तो इसलिए वो बातें ये आपको नहीं बताते हैं। लेकिन स्मार्ट बहुत हैं और ये गलत नहीं है, जो इनकी स्मार्टनेस है अपनी स्मार्टनेस को मिसयूज़ ये कभी नहीं करते हैं, मतलब उसको रॉन्ग डायरेक्शन में कभी नहीं ले जाते हैं। स्मार्टनेस ये तभी दिखाते हैं जब कोई इनको सताए। तो इन्होंने अपनी स्मार्टनेस से काफ़ी कुछ चीज़ें लर्न की हैं इस रिश्ते में, इन्होंने क्या गलतियाँ इनसे हो गई, क्या कुछ ऐसा हुआ जिससे ये रिश्ता संभाल नहीं पाए, ये रिश्ते को संभाल सकते थे, ये सारी चीज़ें इनको समझ आ रही हैं और इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश की है इन्होंने, क्योंकि इन्हें ये पता है कि बहुत बार ओवर इमोशंस को फॉलो करने से, ओवर इमोशनल होने से रिश्ते ख़राब होते हैं। ओवर इमोशनल कोई होगा तो वो ज़्यादा कंट्रोल भी करेगा, तो इनको कहीं ना कहीं ये लगता है कि आप भी बहुत इमोशनल थे इनके लिए, तो वो इमोशंस इनको प्रिय तो बहुत थे लेकिन इमोशनल होकर इंसान कंट्रोल करने की भी कोशिश करता है। तो कुछ ऐसी एनर्जीज आपके साथ हुई होंगी तो इन्हें लगता है कि अब ऐसा कुछ आप दोनों के बीच ना हो, ना इनकी तरफ से ना आपकी तरफ से ऐसा कुछ हो कि जिससे ये रिश्ता जो ये सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, एक लॉन्ग टर्म में आना चाहते हैं, हमेशा के लिए जो रिश्ता संवारना चाहते हैं, तो वो ठीक तरीके से संभल पाए, कोई उसमें कोई मुश्किल ना आए, ना इनकी एनर्जी की, ना आपकी एनर्जी की, ना किसी और पर्सन की एनर्जी की, किसी ना कोई और एनर्जी आप दोनों को इन्फ्लुएंस करने पाए और ये आपसे अपना रिश्ता संभाल लें। तो इसके लिए बहुत स्मार्टली वर्क कर रहे हैं, कुछ ना कुछ इन्होंने स्पेशल किया है, कुछ ना कुछ इन्होंने प्लान ज़रूर किया है आपसे यूनियन में आने के लिए। और ये जो प्लान कर रहे हैं ये इस पर इन्हें वर्क भी बहुत करना पड़ रहा है, कोई नॉर्मल सा प्लान नहीं, कोई बड़ा प्लान मुझे लगता है कि हो सकता है कुछ पार्टी वगैरह, कुछ गेट टुगेदर करने का इनका प्लान हो, कुछ तो इनका प्लान है आप आपके तरफ आने के लिए कि आपसे मिलेंगे तो सेलिब्रेट करेंगे साथ में मिलके, फ्रेंड्स को भी लाएंगे, हो सकता है फैमिली मेम्बर्स को लाएं, ऐसे लोग जिन लोगों के साथ रहना आप लोगों को अच्छा लगता था, म्यूचुअल फ्रेंड्स के साथ आप लोग सेलिब्रेट करना चाहते हैं आपसे। और जो इनका जो बर्डन है टेन ऑफ वैंड्स है, इस बर्डन को हटा देंगे ये,
इन प्रेजेंट इनका फोकस जो है वो फोकस इनका इनकी लाइफ की जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनसे ओवरकम करने में, उनसे निकलने में, उनको हटाने में है। तो काफ़ी हद तक ये इन रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ से निकल आए हैं। किसी के अगर किसी किसी भी और के पर्सन अगर इन रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ में हैं तो डिवाइन उनको निकाल रहे हैं। आपके ज़िंदगी में सेलिब्रेशन का टाइम आ रहा है, और आ क्या रहा है, आ गया है, चल रहा है सेलिब्रेशन का टाइम। आप हो सकता है बेवजह खुश रहने लगे हो, अगर आप बेवजह खुश रहने लगे हो तो ये आपके पर्सन की एनर्जी है जो आप पिक कर रहे हो ये। और कभी आप हैवी एनर्जी पिक कर रहे हो, कभी आप खुश रह रहे हो, तो ये साइन है आपके पर्सन की एनर्जी की। आप अगर हैवी एनर्जी पिक कर रहे हो तो वो 10 of Wands आपके पर्सन की एनर्जी है, और अगर आप लाइट एनर्जी हैप्पीनेस की एनर्जी पिक कर रहे हो तो वो 3 of Cups आपके पर्सन की हैप्पीनेस की एनर्जी है। तो इस एनर्जी को स्टेबल करने के लिए आप अपने आप में खुश रहने की कोशिश कीजिए। जब आप अपने आप में खुश रहने की कोशिश करेंगे तो ये 10 of Wands की एनर्जी से कम्प्लीटली निकल जाएंगे, फिर ये 3 of Cups की एनर्जी में ही आ जाएंगे, कम्प्लीटली ये हील हो जाएंगे। और नेक्स्ट जो कार्ड यहाँ पर आया है डेथ, यानी ये जो यहाँ पर 10 of Wands जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी उससे निकल के ये सेलिब्रेट जरूर कर रहे हैं, और सेलिब्रेट कर रहे हैं, और साथ में यहाँ पे कार्ड डेथ का भी आया, यानी ये जो 10 of Wands का कार्ड, ये जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज थी इनकी खत्म हो गई। ये जो कार्मिक अकाउंट आप दोनों के बीच में था, इनको जो किन्हीं और लोगों की जिम्मेदारियाँ इनके सिर पे थी, तो वो जिम्मेदारियाँ पूरी हुई, इतने ही टाइम तक इतनी ही जिम्मेदारियाँ इनके कार्मिक अकाउंट में लिख दी गई थी और वो अब पूरी हो गई हैं। अब ये कार्मिक अकाउंट कम्प्लीटली ख़त्म हो गया है। अब इनका जो सोर्स ऑफ इनकम है, इनकी जो अबंडेंस है, इसको कोई भी कार्मिक यूटिलाइज नहीं कर पाएगा, कोई कार्मिक इनके पैसे पे ऐशो आराम नहीं कर पाएगा। अब इनका जो पैसा है, इनकी जो अबंडेंस है, ये आपके काम आएगी, ये आपकी हेल्प करेंगे आके। और कॉन्फिडेंट हैं, किसी किसी के व्यूअर के पर्सन अभी अभी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो चुके हैं, किसी की इस एनर्जी में आने वाले हैं, लेकिन आपके पर्सन के साथ ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत पॉजिटिव बात है कि इनका बहुत बड़ा कार्मिक अकाउंट क्लियर हुआ है। इन प्रेजेंट अगर आपको थोड़ा बहुत फील भी हो रहा है हैवी एनर्जी तो वो बहुत ज़रा सा है। ये कार्मिक अकाउंट वही जो पास्ट लाइफ से लेके आए हैं, उनकी वजह से अलग होना पड़ा, तो जो आप जिस वजह से आप लोग सेपरेट हुए हैं वो वजह अब ख़त्म हो रही है। जिस कर्मी अकाउंट की वजह से आप दोनों सेपरेट हुए हैं वो यहाँ पे मुझे ख़त्म होते हुए दिख रही है। आपके पर्सन अबंडेंट होके आपके लिए ही आ रहे हैं, ये इनकी अबंडेंस साफ हो, ये तब खुश होते हैं जब आप इनके साथ होते हो। द सन, न्यू बिगनिंग, ज़बरदस्त न्यू बिगनिंग हो रही है, आपके एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं, और आप भी डिवाइन पे ही ट्रस्ट करते हो, डिवाइन पे यानी ईश्वर, कोई भी काम करते हो, डिसीजन लेते हो, उससे पहले ईश्वर से बात ज़रूर करते हो, ईश्वर के गाइडेंस पे ही चलने की कोशिश करते हो। आपका तेज, आपके पर्सन का तेज, दोनों का ऐसा तेज है, ऐसी ऑरा है कि आपके कांटेक्ट में जो भी आता है, आप भले ही कितनी दुखी परेशान हो लेकिन आपके कांटेक्ट में आने वाले लोग हील हो जाते हैं। दीपक तले अंधेरे वाली बात मुझे फील हो रही है, तो आप ये अफसोस नहीं करना कि दीपक तले तो अंधेरा रहता ही है, फिर दीपक को क्या फ़ायदा। तो दीपक का अपना प्रकाश, उसकी अबंडेंस है, दीपक का जो अपना प्रकाश है, जो दूसरों का पाथ दिखाता है, जो दूसरों का रास्ता दिखाता है, ये बड़ी बात है। तो और अगर दीपक तले अंधेरा भी है तो ऊपर प्रकाश, नीचे अंधेरा, तो मुझे तो यहाँ पे यिन यंग साइन की एनर्जी पिक हो रही है। मुझे तो ऐसा फील हो रहा है जैसे मुझे यिन यंग साइन दिख रहा हो, ऐसा मुझे फील हो रहा है। तो यिन यंग साइन की एनर्जी का मतलब जहाँ पे अंधेरा उजाला साथ में है तो वो यूनियन की एनर्जी हुई, मुझे यही इंट्यूशन आया, यही डाउनलोड आया। और मुझे ऐसा फील हो रहा है कि बहुत लाइट विज़न है, क्लियर विज़न नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे अपने थर्ड आई पे बहुत लाइट विज़न यिन यंग दिख रहा है। तो ज़रूर यहाँ यूनियन की एनर्जी है। ये वीडियो जिसको भी मिला है, आपके पर्सन ट्रांसफॉर्म होके डिवाइन उनको वैसा बना रहे हैं जैसा आपको चाहिए था, यानी दोनों को सेम एनर्जी में ला रहे हैं, और सेम एनर्जी में आके आपका यूनियन हो रहा है। यहाँ बॉटम ऑफ द डेक एम्परर है, और ये एम्परर का मतलब ये कि इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, इन्हें अब किसी का भय नहीं रहेगा, जो फियर की एनर्जी थी उससे ये निकल जाएंगे। इन्हें ये समझ आ जाएगा कि अपना रिश्ता संभालना ही इनकी जो प्रायोरिटी हो गई है, यही सही डिसीजन है। अपना रिश्ते को प्रायोरिटी देना ही इनका सही डिसीजन है, और ये इनकी कोर में आ गया, बॉटम ऑफ द हार्ट में इनका ये आ गया कि मुझे अपना रिश्ता एनी हाउ संभालना ही है, दुनिया एक तरफ, मेरा रिश्ता एक तरफ, मेरा पर्सन एक तरफ। अब मैं मूनोलॉजी से भी इनके थोड़े इमोशंस देख लेती हूँ, इनके क्या इमोशंस हैं मूनोलॉजी से। तो इनके इमोशंस हैं आपके लिए, ये डेक शायद मैंने उल्टा पकड़ा है, हाँ डेक मैंने उल्टा पकड़ा हुआ था।
तो यहाँ पे इनके इमोशंस हैं शो द वर्ल्ड द रियल यू। इनको ये आपसे ये बात क्यों कह रहे हैं कि शो द वर्ल्ड द रियल यू, आप जैसे हो वैसे दुनिया को दिखाओ, क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आप जितने प्यारे हो आपने कभी दिखाया नहीं, कभी आपने ये जताया नहीं कि आपकी भी कोई वैल्यू है, आपके अंदर भी कोई हुनर है, आपने कभी दिखाया नहीं। आपने बस इन्हीं को एडमायर किया, आपने बस यही कहा कि तुम मेरी ज़िंदगी में हो, ये मेरे लिए बड़ी बात है। आपने कभी जाहिर नहीं होने दिया इनको, कभी ये नहीं कहा कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी में हूँ, ये तुम्हारे सौभाग्य की बात है, कभी आपने कहा ही नहीं। और इन्हें अब एहसास हो रहा है कि काश ये बात पहले एहसास हो जाता कि आप इनकी ज़िंदगी में हो, तो इनके लिए कितनी कितना बड़ा गुड लक है। अगर ये एहसास हो जाता तो मैं अपने पर्सन को अपनी ज़िंदगी से जाने नहीं देता। इसीलिए ये कह रहे हैं कि शो द वर्ल्ड द रियल यू, कि पहले तुम्हारी सच्चाई पहले से पता चल जाए, तुम्हारी ऑनेस्टी पहले से पता चल जाए। तुम इतने प्यारे हो तो कोई तुम्हें अपनी ज़िंदगी से जाने ना दे। यहाँ पे देखिए, अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिन, ये आपसे एक न्यू रोमांटिक साइकिल शुरू करना चाहते हैं, जो कि 10 सन की एनर्जी भी आ चुकी है। 10 सन की एनर्जी को ही क्लेरिफाई किया है इस कार्ड ने भी, यानी न्यू बिगिनिंग ज़रूर हो रही है। और रोमांटिक एनर्जी यानी ये ट्रांसफॉर्म होकर आपसे लव की एनर्जी से आ रहे हैं, ये कोई होशियारी से नहीं, दिमाग से नहीं आएंगे, दिल से आएंगे आपकी तरफ। अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग, देखिए, अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिन और अगेन न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग अगेन, यानी ये एक तरह से इस रीडिंग में थर्ड टाइम ये न्यू स्टार्ट की एनर्जी आई है। तो ज़रूर न्यू स्टार्ट हो रहा है आपकी ज़िंदगी में, आपकी लव लाइफ में, आपका रिश्ता फिर से संवरेगा, ज़रूर संवरेगा। बिलीव इन द इम्पॉसिबल एंड इट्स टाइम टू टेक एक्शन। यहाँ पे देखिए, थर्ड बॉटम ऑफ द डेक में दिखा देती हूँ, कम्युनिकेशन इज की। यहाँ पे बिलीव इज इम्पॉसिबल इन इम्पॉसिबल इन इम्पॉसिबल पे बिलीव होने का मतलब ये है कि ये मान पा रहे हैं कि आप जितना इन्हें चेस करते थे, आपने इतनी इस तरीके से आप बदले हो, ये इम्पॉसिबल था। आप इन्हें भूल नहीं सकते थे लेकिन आपने भुलाया, तब इन्हें आपकी स्ट्रेंथ पे इन्हें ट्रस्ट हो गया है। अब इन्हें लगने लगा है कि आप कुछ भी कर गुजरने की क्षमता रखते हो। इट्स टाइम टू टेक एक्शन, जब इन्हें यह एहसास हुआ कि आप कुछ भी कर गुजरने की क्षमता रखते हैं, तब इनको समझ आया कि अब मुझे मेरे पर्सन के लिए एक्शन लेना पड़ेगा। अब अगर मैंने एक्शन नहीं लिया तो मेरा पर्सन फिर मेरी ज़िंदगी में कभी वापस नहीं आने वाला। और वो एक्शन क्या होगा कि इनको आपसे बात करनी है, कम्युनिकेशन इज़ की, इसलिए ये अब आपसे बात करना चाहते हैं और ज़रूर ये आपसे बात करेंगे। मुझे 111 और 9 दिखा है, 111 9 का मीनिंग है कि कम्प्लीशन, न्यू बिगनिंग एंड कम्प्लीशन। तो ज़रूर ये आपसे रीयूनाइट होंगे, क्योंकि न्यू बिगनिंग की एनर्जी डबल ट्रिपल है। डबल तो क्या, 3-4 बार आ चुकी है, यानी ज़रूर रीयूनाइट होंगे। ट्रांसफॉर्म अगेन, ट्रांसफॉर्मेशन आया, देखिए न्यू स्टार्ट आ ही चुका है, न्यू बिगनिंग आ ही चुका है, न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिन आ ही चुका है, यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन भी आ चुका है, दसन का कार्ड भी आ चुका है। तो ज़रूर मतलब 200% आपके लव रिलेशनशिप में न्यू बिगनिंग ज़रूर होगी। मुझे 11 और 55 दिखा है, तो चेंज का नंबर है 55 और 11, न्यू बिगनिंग का नंबर है। तो ज़रूर आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज आ रहा है। पॉजिटिव चेंज आने का मतलब है कि ये आपकी वैल्यू समझ के आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। बी हम्बल, देखिए आपके लिए बहुत काइंड हो रहे हैं। आपको जितना भी इन्होंने गुस्सा किया था, वो अब कोई गुस्सा इनके दिल में नहीं है, अब बस ये आपके लिए बहुत हम्बल हो चुके हैं। लेट्स गो ऑफ फॉल्स ईगो, ईगो आपने तोड़ दिया है इनका, ज़बरदस्त आपने ना वर्क किया है, ज़बरदस्त आपने खुद पर ध्यान दिया। देखिए मुझे 12 21 और 1 222 दिखा है, तो यानी आपने इनको झकझोर के रख दिया है, इन्हें ऐसा, ये ईगो की नींद में सो रहे थे ना, ये मदमस्त नींद होती है ना, मदोशी की नींद, उसमें जो सो रहे थे, आपने इनको झकझोर के जगाया है कि उठो, तुम्हें जागना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। मुझे इनकी अवेकनिंग भी फील हो रही है, और ये आपकी वैल्यू समझ रहे हैं, यही इनकी अवेकनिंग है। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे है, लॉ ऑफ कर्मा, टाइम टू मूव ऑन एंड डेथ। लॉ ऑफ कर्मा का मीनिंग है कि ये संसार में आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें अटैच नहीं हो रहे हैं, क्योंकि अटैच तो ईश्वर से हो चुके हैं, और सेकंड प्रायोरिटी इनकी आप हो, पहले ईश्वर हैं। और इन्हें ये एहसास है कि जो कुछ इनके साथ हुआ है वो सब इनके कर्मों का फल था। ये आपको किसी भी बात के लिए ब्लेम नहीं कर रहे हैं। टाइम टू मूव ऑन, हर निगेटिविटी से मूव ऑन होना चाहते हैं, आप किसी भी निगेटिविटी को अपनी ज़िंदगी में रखना नहीं चाहते। डेथ, इस सेपरेशन को हमेशा के लिए ख़त्म करना चाहते हैं। एक आपका जो सेपरेशन का की जो पैनिक साइकिल थी, जो भी नेगेटिव कर्मी अकाउंट था आप दोनों के बीच में, वो कम्प्लीटली दी एंड हो चुका है, कम्प्लीटली वो खत्म हो चुका है। तो मेरी शुभकामना है कि आप सबका यूनियन बहुत जल्दी हो, आप सबको ईश्वर की कृपा प्राप्त हो, सदा ईश्वर आपके साथ रहें, और ये रीडिंग काफ़ी पॉजिटिव है, इसे पॉजिटिव वे में लीजिएगा। तो डियर फ्रेंड्स, डियर व्यूअर्स, आप अगर मुझसे बात करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। प्लीज़ पहले मैसेज कीजिएगा, मैं हर बार कॉल पिक नहीं कर पाती हूँ। और साथ में आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट भी है कि इतने सारी कॉल्स आते हैं, मैं सबको 1-2 घंटे नहीं दे पाती हूँ,
क्योंकि बहुत लोगों ने पेमेंट किया होता है, पेमेंट करके अपॉइंटमेंट लेते हैं, तो उनको मुझे टाइम देना ही होता है। इसलिए मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप मुझे पहले मैसेज करें, और अगर आपको मुझसे बात करनी है तो अपॉइंटमेंट लें जो कि चार्जेबल है, तभी मैं आपसे डिटेल बात कर पाऊँगी। वो 30 मिनट या 1 आवर का आप ले सकते हैं, जैसी आपको नीड हो, जैसा आपको गाइडेंस चाहिए हो, लेकिन मैं इतना ज़्यादा टाइम आपको नहीं दे पाऊँगी विदाउट अपॉइंटमेंट, क्योंकि अपॉइंटमेंट बहुत सारे होते हैं, मुझे उनको टाइम देना होता है। आप ही लोगों के लिए मुझे ये शेड्यूल मेंटेन करना पड़ रहा है कि ताकि जो अपॉइंटमेंट पेमेंट करके अपॉइंटमेंट ले रहे हैं, मैं उनको प्रॉपर टाइम दे सकूं। तो आपकी कोई क्वेरी है तो पहले आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा, मैं रिप्लाई ज़रूर करती हूँ टाइम निकाल के। आप कमेंट में अपनी क्वेरी लिख सकते हैं, वहाँ पे मैं रिप्लाई कर देती हूँ। लेकिन आपको गाइडेंस ही चाहिए तो उसके लिए प्लीज़ अपॉइंटमेंट लीजिएगा, उसके बाद ही मैं आपको गाइड कर पाऊँगी, ताकि किसी का भी लॉस ना हो। जो अपॉइंटमेंट ले रहे हैं, जो चार्ज कर पे करके अपॉइंटमेंट ले रहे हैं, उनका लॉस ना हो। इसलिए प्लीज़ मेरी इस सिचुएशन को, इस बिजी शेड्यूल को प्लीज़ समझिएगा और मेरी हेल्प कीजिएगा। आप क्वेरी पहले व्हाट्सअप पे कीजिएगा, मैसेज के थ्रू कीजिएगा, और अपॉइंटमेंट प्लीज़ चार्जेबल है, तो इस शेड्यूल को मेंटेन करने में मेरी हेल्प कीजिएगा। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, गॉड ब्लेस यू।